नेक्स्ट टॉपिक है स्केल्स एंड फिश जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें एग्जोस्केलेटन होता है वो या तो एपिडर्मल स्केल्स का बनावा होता है या डर्मल स्केल्स का बनावा होता है जो रेप्टाइल एव्स और मैमल्स होते हैं उनमें जो एग्जोस्केलेटन होता है वो एपिडर्मल स्केल्स का होता है और जो फिशेज होती हैं उनमें जो एग्जोस्केलेटन होता है वो डर्मल स्केल्स का होता है और उसका ओरिजन मीजनकाइमल ओरिजन होता है डर्मल स्केल्स की बात करें तो डर्मल स्केल फ़िशस में वेल well डेवलप्ड होते हैं और डर्मल स्केल्स क्या होते हैं कॉर्निफाइड कैलकेरियस या फिर बोनी प्लेट्स होती हैं जो डर्मल स्केल्स होते हैं उनमें तीन लेयर होती हैं जो आउट इनर मोस्ट लेयर होती है वो आइसोपेडाइन होती है और जो मिडल लेयर होती है वो स्पॉन्जी लेयर होती है और जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो डेंटाइन होती है पाँच तरह के डर्मल स्केल्स होते हैं प्लेकॉइड गैनोइड साइक्लोइड टिनॉयड और कॉस्मोइड सबसे पहले अपन साइक्लोइड स्केल को देखते हैं फर्स्ट साइक्लोइड स्केल जो साइक्लोइड स्केल होते हैं वो प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म करते हैं और ये जो साइक्लोइड स्केल होते हैं वो थिन होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं और ट्रांसलूसेंट होते हैं और नाम इनका साइक्लोइड है बट इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो रफली सर्कुलर या फिर रफली राउंडेड होते हैं और साइक्लोइड स्केल होते हैं वो सेंटर में थिकर होते हैं सेंटर में मोटे होते हैं और मार्जिन की तरफ पतले होते हैं और साइक्ले साइक्लोइड स्केल कहाँ कहाँ मिलते हैं लेबियो में कॉड में एमिया में लंग फिश में और कुछ टेलियोस फिश में साइक्लोइड स्केल मिलते हैं और साइक्लोइड स्केल में लाइंस ऑफ ग्रोथ प्रेजेंट होती है जो फिश की एज को डिटरमाइन करती है फिर ये जो साइक्लोइड स्केल होते हैं वो डर्मल पॉकेट्स में लोकेटेड होते हैं फिर इसका जो साइक्लोइड स्केल का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वहाँ पे बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स होते हैं और ये जो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं वो डर्मिस में एम्बेडेड होते हैं तो उसकी वजह से ये क्या करते हैं नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं साइक्लोइड स्केल की जो अपर लेयर होती है वो बोन से बनी हुई होती है और जो लोअर लेयर होती है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है और इनमें जो पल्प कैविटी होती है वो एब्सेंट होती है साइक्लोइड स्केल के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या होते हैं रफली सर्कुलर होते हैं जैसे दिख रहे हैं ये क्या है प्रॉपर सर्कुलर नहीं है रफली सर्कुलर होते हैं और ये बीच में से क्या होते हैं मोटे होते हैं और साइड से पतले होते हैं फिर इनमें जो दो एंड होते हैं जो एंटीरियर बेसल एंड होता है और पोस्टीरियर जो एंड होता है वो फ्री होता है और यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल ग्रूवस प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और इनके स्ट्रक्चर में लाइन्स ऑफ ग्रोथ प्रेजेंट होती है जो एज डिटरमाइन करते हैं इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये लेबियो फिश में होता है कॉड फिश में होता है एमिया फिश में होता है और लंग फिश में होता है सेकेंड टीनॉइड स्केल की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर साइक्लोइड स्केल के सिमिलर होता है इसमें जो ग्रूव लाइक पार्ट होता है वो डर्मी से फर्मली अटैच होता है और इसका हाइन टीथ बियरिंग जो पार्ट होता है वो फ्री होता है टीनॉइड स्केल कहाँ मिलते हैं जो हायर टीलियोस होते हैं उनमें टीनॉइड स्केल प्रेजेंट होते हैं जैसे सनफिश हुई पर्च हुआ और एक्टिनोटेरेगी हुई इनमें क्या होती है टिनॉयड स्केल प्रेजेंट होती है और इनकी जो कंसेंट्रिक लाइन ऑफ ग्रोथ है वहाँ पे टीथ लाइक प्रोजेक्शन होते हैं और इनमें पल्प कैविटी और जो डेंटाइन लेयर होती है वो एबसेंट होती है और जो टिनॉइयड स्केल होती है वो ऑब्लिकवेली अरेंज होती है इसलिए एक दूसरे पे ओवरलैप रहती है फिर जो फ्लाउंडर्स होते हैं उनमें टिनॉइड और साइक्लोइड स्केल दोनों मिलती हैं उनके डोरसेल सरफेस पर टीनोइड स्केल प्रेजेंट होती है और वेंट्रल सरफेस पर साइक्लोइड स्केल प्रेजेंट होती है टिनोइड फिश होती है वो पर्च सनफिश और एक्टिनो में मिलती है जो तो है प्लेकॉइड स्केल इसको डर्मल स्केल, डर्मल डेंटिकल्स भी बोलते हैं और ये टूथ के जैसे दिखती हैं प्लेकॉइड स्केल होती हैं वो ऑब्लिक रो में अरेंज होती हैं और ये प्लेकॉइड स्केल होती हैं वो स्मॉल होती हैं पॉइंटेड होती हैं और ट्राई रेडिएट डेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और इनमें दो इनकी जो स्केल होती है उसमें दो स्ट्रक्चर होते हैं एक तो ट्राई रेडिएट डेंटिकल प्रेजेंट होते हैं और एक बेसल बोनी प्लेट होती है ये जो बेसल बोनी प्लेट होती है वो कैल्सिफाइड टिश्यू की बनी हुई होती है और डर्मिस में एम्बेडेड होती है और ये जो बेसल बोनी प्लेट है वो किसकी हेल्प से हेल्ड होती है शार्पेस फाइबर प्रेजेंट होते हैं जो इसको क्या करते हैं जोड़ के रखते हैं और इसमें दूसरी कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती है और इसी बेसल बॉडी से अपन ने देखा प्लेकोइड स्केल में दो स्ट्रक्चर होते हैं एक तो क्या प्रेजेंट होते हैं ट्राई रेडियो डेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और एक क्या प्रेजेंट होती है बेसल बोनी प्लेट प्रेजेंट होती है बेसल बोनी प्लेट जो होती है वो से में एम्बेडेड होती है और शार्पेस फाइबर उसको हेल्ड करके रखते हैं फिर इसी बेसल बोनी प्लेट से क्या निकलता है एक स्पाइन स्पाइनी लाइक प्रोजेक्शन निकलता है अपवर्ड डायरेक्शन में और जो कंपोज्ड होता है डेंटाइन से इसकी जो ये जो ट्राई रेडियड डेंटिकल होता है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है विट्रो डेंटाइन होती है फिर इसमें पल्प कैविटी भी प्रेजेंट होती है और उस पल्प कैविटी में क्या क्या होता है ऑडेंटोब्लास्ट होता है डेंटाइन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं ब्लड कैपरी कैपिलरीज प्रेजेंट होती है नर्वस प्रेजेंट होती है और लिम्फ चैनल्स प्रेजेंट होती है फिर ये जो ब्लैकॉइड स्केल होता है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है ये जो इलाज व्रांक ब्रैंक फिश होती है उनका कैरेक्टरिस्टिक्स होती है तो इनका एग्जाम्पल क्या होगा स्कॉलिडोन स्प्राइना और डॉर्पिडो तो प्लेक्वाइड स्केल में अपन क्या देखा ये डर्मल दे, इनको डर्मल डेंटिकल्स भी बोलते हैं इनका स्ट्रक्चर टूथ के जैसा होता है ऑब्लिक रोज़ में अरेंज होती है इनके स्ट्रक्चर में दो पार्ट्स होते हैं ट्राई रेडियट डेंटिकल्स होते हैं और एक बेसल बोनी प्लेट होती है जो डर्मिस में एम्बेडेड होती है और सारपेस फाइबर से कनेक्टेड होती है और इनसे क्या निकलता है अपवर डायरेक्शन में एक ट्राई रेडिय डेंटिकल निकलते हैं जो कि जिसकी वो कवर्ड होते हैं विट्रो डेंटाइन से फिर इसमें अंदर क्या होती है पल्क कैविटी होती है जिसमें ऑडेंटोब्लास्ट तो सेल होते हैं डेंटाइन फॉर्मिक्स सेल्स होते हैं नर्व्स होती हैं ब्लड कैपिलरीज होते हैं और लिम्फ चैनल्स होते हैं और ये प्लेकोइड स्केल इलाइसमोब्रैंक फिशज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उसके एग्जाम्पल क्या है स्कॉलिडॉन स्पाइना और टॉर्पिडो स्केल के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ऑब्लिक रोज में अरेंज होते हैं फिर इसमें क्या होते हैं बेसल प्लेट होती है रोमबॉयडल शेप की होती है फिर इससे क्या प्रोजेक्ट होते हैं ऊपर ट्राइडेंट स्पाइन प्रोजेक्ट होते हैं जिनका जो ये लेटरल साइड वाला जो पार्ट है वो लेटरल स्पाइन होता है और बीच वाला मीडियम स्पाइन होता है और इसका एग्जाम्पल देखते हैं स्कॉलिडॉन इसका एग्जाम्पल है स्पाइरना और टोर्पिडो नेक्स्ट है गेनॉइड स्केल इनको रोम्बॉइडल स्केल भी बोलते हैं क्योंकि इनका जो शेप होते हैं वो रोम रोमबॉइड शेप होते हैं और ये कॉम्पैक्टली फिटेड होती है बॉडी वॉल्स पे और इसकी वजह से ये क्या होती है टाइल के जैसे कॉम्पैक्टली फ़िटेड होती है और टाइल लाइक अपीरेंस होता है और ये बोनी आर्मर प्रोवाइड करवाती है फिर इनकी जो तीन लेयर होती है वो देखते हैं जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो हार्ड एनिमल लाइक मटेरियल की बनी होती है जिसको क्या बोलते हैं गैनोइन बोलते हैं और ये गैनोइन की बनी हुई होती है इसलिए इसका नाम पड़ा गैनोइड स्केल जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो हार्ड एनिमल लाइक मटेरियल की बनी होती है जिसको गैनोइन बोलते हैं फिर जो मिडल लेयर होती है वो कॉस्माइन की बनी होती है जिसमें क्या होते हैं बहुत सारे ब्रांचिंग ट्यूब्यूज प्रेजेंट होते हैं और जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो आइसो पेडाइन की बनी होती है तो अपन ने तीनों लेयर देखिए जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो गेनोइन की बनी होती है मिडिल लेयर कॉस्माइन की बनी होती है और जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो आइसो पेडाइन की बनी होती है और ये क्या होते हैं रोम्बॉइडल शेप के होते हैं और ये जो उनकी प्लेट होती है वो आर्ट आर रहती है पैग और सॉकेट जॉइंट से वो क्या होती है आर रहती है और ये डर्मल इन ऑरिजन होते हैं फिर इनके एग्जांपल देखें तो ये जो प्रेमेटिव एक्टिनोटेरिगेंस होते हैं उनमें ये गेनॉइड स्केल मिलती है और उसका एग्जाम्पल है पॉलिपटेरिस एसीपेंसर और लैपिडो स्ट्रीयस जो गेनॉइड स्केल होती है वो रोम्बॉइट शेप की होती है इसकी वजह से इनको क्या बोलते हैं रोम्बॉइट स्केल भी बोलते हैं और इनमें क्या होती है लाइन ऑफ ग्रोथ प्रेजेंट होती है और ये जो रोम्बॉइट स्केल होती है वो आर्टिकुलेटेड रहती है पैग और सॉकेट जॉइंट की हेल्प से गैनॉइड स्केल का एग्जाम्पल देखते हैं पॉलिपटेरिसीपेंसर और लैपिडो नेक्स्ट है कॉस्मोइड स्केल ये प्रिमेटिव फिशेस में मिलती है और इसमें ये जो कॉस्मट स्केल होती है वो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं होती है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इसकी जो एक्सटर्नल लेयर होती है वो विट्रोडेंटाइन से बनी हुई होती है और जो मेडल लेयर होती है वो कॉस्माइन से बनी हुई होती है इसके एग्जाम्पल देखें तो ये डिप्लोइ फिश जिसको लंग फिश भी बोलते हैं उसमें मिलती है क्रोसोटैरेजी में मिलती है प्लैकोडम ऑस्ट्रेकोडम गैर बेचेर और रीड में मिलती है फिर स्केल्स का मॉडिफिकेशन देखते हैं जो शार्क में जो टीथ होती हैं वो मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स होती हैं फिर स्ट्रिंग रे की बात करें तो जो स्ट्रिंग रे में जो स्ट्रिंग होता है वो भी क्या होता है मॉडिफाइड पैकॉइड स्केल होता है फिर हिपो और सिन गैन की बात करें तो इनमें जो स्केल होती है वो फ्यूज़ हो जाती हैं और एक प्रोटेक्टिव बोनी रिंग का फॉर्मेशन करती है बॉडी के अराउंड तो बोनी रिंग का फॉर्मेशन स्केल से किस में होता है हिपो और सिन में होता है